हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके जी, तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग इफ्तारी में आज खाना खाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बना लिए रोटियाँ और मज़े से उस पर थोड़ा सा घी लगा दिया मैंने, और हस्बैंड ने बना लिया था खाने के लिए कीमा। कल बनाया था तो कल किसी ने भी नहीं खाया और आज ही खाएंगे। तो अली को तो मैंने स्कूल से जैसे आई तो खिला दिया था, और उसके अलावा जो है ना मैं बस, क्योंकि जब से रोज़े हुए ना एक ही बार खाना खाया, बाकी फ्राइंग 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 वाली चीज़ें खा रहे थे। तो घर आप देख सकते कैसा फैला हुआ, तो जो है ना काफ़ी फिर हो रहा था क्या, बहुत ज़्यादा ऑयल वॉयल हो रहा है। तो अब चलो खाना खाते हैं। तो आज खाने का मूड बन गया, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी फूड चाट बची हुई है वो होगी, और साथ में कल वो मैंने चिकन आपको दिखाई थी फ्राइड चिकन, तो अली ने कीमा खा लिया था, वो कह रही वो फ्राइड चिकन मैं खाऊंगी। और उसके अलावा पकौड़ों का थोड़ा सा बैठ रखा है, तो अगर पकौड़ों का मूड हुआ तो बना लेंगे, नहीं तो सिर्फ खाना ही खाएंगे। ये आप देख सकते हैं बाला जो है ना सो रहा, स्कूल से आके सोया नहीं ये लड़का, और जो है ना आधे घंटे पहले सो गया ये। और इस लड़की को देखें अच्छी बनी हुई है, सारे खिलौने के लिए। ओके जी, तो अभी जो इफ्तारी का प्लान मैंने बताया वो तो था ही, लेकिन अचानक से मेरा दिल कर गया वो वाले सैंडविच खाने को जो हम स्कूल जाते थे और मिलते थे ना, सिर्फ ब्रेड के ऊपर मेयोनीज लगा के उसमें काली मिर्च और नमक, सिर्फ मेयोनीज होती थी और कुछ नहीं होता था उसमें। तो वो वाला जो है ना एक सैंडविच मैंने अपने लिए बनाया है, और फिर मैं सोची थी कि हस्बैंड के लिए बनाऊँ, तो एक मैंने एग बॉयल करने के लिए रखा है, तो वो मैं उसमें चॉप करके इसमें डालूंगी मेयोनीज में, और फिर वो जो है ना उसका एक सैंडविच बना लूँगी। तो एक सैंडविच भी ऐड हो गया। आज फ्राइडे है और कल सैटरडे है, इस वजह से ये लड़की अभी तक जाग रही है, और 12 o'clock होने वाले हैं रात के, लेकिन अभी तक जाग रही है। आज उसके टास्क में निकला था कि प्रॉफिट्स की जो है ना वो स्टोरी सुनो या देखो, जो हमारे हजरत जो होते हैं, तो फिर मैंने उसको टैब में लगा के दी, तो काफ़ी सारे प्रॉफिट्स की अदीशा ने स्टोरी सुनी है। कौन कौन से प्रॉफिट्स की सुनी है? ओके, तो मैं फिर जो है अपना बैठी हुई कुरान शरीफ पढ़ रही थी, और ये देखें ये मेरा मिनी कुरान शरीफ है, और छोटा सा है, काफ़ी हैंडी सा है। और अलीशा जो है ना अपनी वीडियोस देख रही है प्रॉफिट्स की, और बाला चौधरी खेल रहा है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है सैटरडे है, और सब सो रहे थे, 11 बजे अलीशा उठ गई, तो मैंने उसको नाश्ता दे दिया था, और ये अभी तक सो रहा था, अभी हिलना शुरू हुआ है, और मैं भी फिर लेटी हुई थी क्योंकि रोज़ा है। और जो है ना अस्सलाम वालेकुम, उठ गए, तो अभी बस मैं भी लेटी हुई थी, मैं भी उठूँगी, और नमाज का टाइम हो रहा है तो नमाज पढ़ेंगे। क्या हुआ? ओके जी, तो आज हमारा 13-14 है, और जो है ना मैं बस काम उठी हूँ, और उसके बाद बस नमाज़ पढ़ी मैंने, और थोड़े बहुत कामों में लग गई हूँ। और आप लोग बताएंगे आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ गर्मी हो रही है, कहाँ कहाँ सर्दी हो रही है। हमारे यहाँ तो सही है मौसम, बहुत ज़्यादा वाली ठंड भी नहीं है, ठंड है, और पाकिस्तान में जो है वो गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो गर्मी में ये कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रोज़ा रखना, तो बस यही है। और फिर थोड़े बहुत मैं जो है ना यहाँ पे काम कर रही हूँ, बैठ वेट सही कर रही हूँ, उसके बाद जो है ना मैं बाकी की चीज़ें भी कर लूँगी, तो बस यही है। तो जी, तो मैं ये थोड़ी देर पहले समेट के गई थी, फिर अलीशा ने शर्ट हैंगर सब फेंक दिया है, उस रूम में बच्चे खेल रहे हैं, हस्बैंड भी रूम पर ही हैं, और साथ में कपड़े भी धुल रहे हैं, घर के सारे काम हो चुके हैं। इफ्तारी के लिए भी मैंने एक फ्रूट चाट बना के रख दी है, साथ में थोड़े से पकौड़े हैं, और साथ में कीमे के शायद पराठे बनेंगे, और सब चीज़ों से फ्री होकर नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, और अब मैं जो है ना कुरान शरीफ लेके बैठ गई हूँ, कुरान शरीफ पढ़ूँगी, और यहाँ सुकून से आराम से रूम में बैठी हूँ, और इधर जो है ना उस रूम में नात भी चल रही है, नात सुनते सुनते काम किया तो बड़ा मज़ा आ रहा था।
Okay. Let's see. Oh, I got the orange one. There's like 8 boxes. Keep house clean. Keep house clean. बड़ा रीशा ने तो ये पहले ही कर लिया. हाँ. सारे टॉयज उठा के पहले ही क्लीन कर लिया आपने तो ये. No bedroom clean. बोलिए छे. बेडरूम में आपके टॉयज रखे हैं वो क्लीन कर लो. मम्मी 8 कप्स है. मम्मी 13 कप्स है. 13. थर्टी होने वाली है. डेट क्यों क्लीन करना है पहले उसको. वैसे तो मैंने ये बेड क्लीन कर लिया था लेकिन दोबारा ख़राब हो गया और अलीशा की टास्क में निकला है कि उसको हाउस क्लीन करना है. तो हाउस तो पूरा क्लीन है. ये बेड दोबारा से फैल गया तो अलीशा ने कहा कि भाई ये बेड क्लीन करेगी और चादर दोबारा से सेट करेगी और सारे पिलोज भी वापस से लगाएगी. है ना. अभी रुकी का अली को भी दिखाएंगे. हाँ अली कुछ दिखाया आपको क्या हुआ है. कम कम कम. अलीशा को दिखाया. अलीशा का रिएक्शन देखना. उसको बंद नहीं कर रहा मैं. गत्ता लगा रहा हूँ. क्या हुआ यहाँ पे. हल्के काम में भी अंदर चले पूरा ये लीक हो रहा है. दीवार टूट गई. क्या हो कि दीवार तोड़ दी बाबा. ये बाबा ने दीवार तोड़ दी है. किसने तोड़ी बाबा ने. पूरा 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 नमी आ गई अंदर. किसने की बाबा ने. वो बहुत सारे ब्रिक्स. तू तो ठुक रहा है. ये तो बिल्कुल गत्ता है. ब्रिक्स भी उसमें नहीं. ये तो कार्डबोर्ड है. ओके जी. तो ये जो आप देख रहे हैं टूटी हुई दीवार. तो हस्बैंड कहने लगे कि मैं ये सफाई कर रहा था और ये जो कचरे की थैली लटकी हुई है ना उसको पैर से हटा रहा था और पैर सीधा लगा दीवार में और ये हाल हुआ है दीवार का. तो यहाँ की ये दीवारें और छतें वगैरह इतनी हल्की आप देख सकते हैं कि अब ये देखें ये बिल्कुल कार्डबोर्ड है. और इसको मैं अभी ये दीवार का पीस टूटा हुआ है और इसको जैसे ही मैं करूँगी ये देखें कैसे टूट गया. ये इस तरह की यहाँ की दीवारें हैं. और अभी जो है ना थोड़े दिन पहले मेरी जो फ्रेंड है यहाँ पे आपको पता है कि फ्रेंड है मेरी उनके साथ ये हुआ है कि उनके घर जैसे मैं आपको बताती हूँ हमारे घर में नमी है. हमारी जो है ना पानी और नमी हो रही है पानी की वजह से. सेम उसी तरीके का जो है ना वो मेरी दोस्त के घर पर हो रहा था और वो उनका जो है ना पता नहीं वॉशरूम से पानी लीक हो रहा था क्या था उनकी छत पर जो है ना पानी लीक हो रहा था किचन की छत से. और जो है ना वो इतना ज़्यादा वो छत वो हो गई नाजुक हो गई कि उनकी जो किचन की छत थी वो सीधी ज़मीन पे आके गिरी है. खुदा का करना ये था कि उनकी बेटी और उनके हस्बैंड थोड़ी देर पहले वहीं पे थे वो बस वहाँ से निकले हैं और ये हादसा हुआ है कि उनकी छत वहाँ गिरी है. और मैं 2-3 दिन तक वो बात मेरे जहन में रही है कि यार. और हम सेम चीज़ हमारे वॉशरूम की छत के साथ भी हो रही है कि उसमें जो है ना पानी भी टपक रहा है उसमें काई भी आ रही है. समझ ही नहीं आ रहा कि कहने क्या हो क्या रहा है हमारे साथ ना कि हर जगह काई लग रही है ये हो रही है प्रॉब्लम. लेकिन अब क्या करें ये सिर्फ हमारे साथ नहीं ये पूरे यूके में ये प्रॉब्लम है. तो कुछ कर ही नहीं सकते अब क्या करें. अगर किसी और घर जाओ तो वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम्स हैं. तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि जो है ना ये क्या हो रहा है. तो मैंने कहा चले मैं भी दिखाऊं कि ये सिर्फ हल्का सा पैर लगा था हस्बैंड का और ये हुआ. तो अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे ये मतलब इन दीवारों में ईंट तो है ही नहीं. जो पत्थर की ईंट से होती है ना वो तो है ही नहीं. बस इन्होंने पहले एक लकड़ियाँ लगाई हुई हैं उसके बाद उन्होंने कुछ रुइयाँ भरी हुई हैं उसके बाद थोड़ा गैप दे के इन्होंने कार्डबोर्ड लगा दिया. मतलब ना दीवार है ना छत है. पता चला किसी दिन घर ही उड़ गया ये वाला हाल लग रहा है. इतना जो है ना डर लगता है समटाइम्स. लेकिन क्या करें कि वो कहते हैं ना मजबूरी का नाम शुक्रिया है और फिर वो सब्र भी करना होता है. तो वो कर रहे हैं इंशाल्लाह जैसा फिर अल्लाह ने चाहा. तो मैंने कहा चले मैं आपको ये दिखा रही हूँ तो मैं ये बताऊँ भी कि भाई ये क्यों हो रहा है. तो मैंने ये दीवार कैसे आपको दिखाया. दिखाने को तो मैंने आपको काई भी दिखाई है कि हर जगह ब्लैक ब्लैक लग जाता है. दिखाने का वॉशरूम का भी मैं आपको दिखा दूं. लेकिन यार समटाइम्स हमें ही इतना अजीब सा लग रहा होता है ना कि यार ये पानी टपक रहा है अजीब सा लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा कब तक रहेगा. तो फिर इससे फिर मैं ज़्यादा ये चीज़ें वीडियो में भी नहीं लाती कि यार जब मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा तो मैं क्यों उसको ना इतना वीडियो में लूँ ना. तो ये सारी प्रॉब्लम है. तो बस क्या करें अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए फिर भी. और
सब चीज़ें सही हो ही जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं यहाँ बीच में भी कर दूँ। ओके। वाइट वाइट दिख रहा है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर रेड रेड कर दे, दिखा मुझे रेड। नो। ओह या रेड। आई डू इट। मैं बीच में। बीच में यहाँ पे दिखा मुझे। आई वांट टू डू सम ब्लू टू। बिकॉज मैंने ब्लू भी नहीं यूज की। थोड़ा साइटोस बेबी लगाना बस सही है। मम्मी लास्ट ब्लू यूज कर सकते प्लीज। ये बंद करो। एक सेकंड, जस्ट थोड़ा सा और कलर कर लो तो और अच्छी लगेगी। ये इधर खाली है ना, इधर करो। बस चलो ये बंद करो। ओ मम्मी मैं टॉप पे भी लगा सकती हूँ एक फ्लावर। नो अच्छे ना फिर, क्योंकि चारों तरफ भर गया ना फिर बहुत ज़्यादा दूसरे फ्लावर्स नहीं दिखेंगे फिर। ओके मम्मा ने बनाई, मैंने बनाई, किसी ने भी नहीं बनाई, मैंने बनाए, बाबा ने भी, आने भी बनाए। तो ये अली ने बनाया है पॉपसिकल स्टिक से वास, और ये मैंने बहुत पुराने फ्लावर्स बनाए थे जो कि अंदर रखे, अब तो गंदे भी हो गए पूरा टिशूज का, टिशू से बनाए थे। तो ये अली ने लगा लिया और फिर आज दिन में सेम इसी तरह का अली ने के खुद बनाया, मार्कर से लगाया और ये निकले हुए हैं, ग्लू से निकले हुए हैं। और ये भी खा रहे हैं, ये इमली जो के लाए थे हमारे हबी जी, हम खा रहे हैं इमली। और मैंने ये बनाया और ये बहुत मीठी वाली है, इसको खा लिया। और मैंने ये बनाया पूरा डब्बा मैं खा गई, आधा डब्बा खा गई, आधा बचा हुआ। और मैंने ये बनाया, स्वीट टर्मेंट है। और मैंने ये बनाया, अनीशा ने जो वास बनाया अभी आपको दिखाया, तो आइए इसको खाते हैं। इस लड़की को बाहर जाना है तो भैया को उठा रही नींद में से, और जब बाहर जाएंगे वो बेचारा, वो बेचारा इसको सोना है। ओय 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 ओय, और उसको ये लड़की सोने नहीं दे रही। BMM जाएंगे। BMM जाएंगे BMM. Because मेरी ईस्टर बॉनेट लेना है। BMM जाएंगे BMM. ऊपर होगी। और ये देखें, ये हुई है मेरी फ्रेंड के किचन की हालत, ऊपर से ये पूरी छत गिरी, आप देख सकते हैं सिर्फ लकड़ी और कुछ भी नहीं है, ये हालत हुई है कि बस।